हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ट्रिपल सी की सीरीज में आज हमारा पार्ट टू एपिसोड शुरू होने वाला है और आज भी हम पांच क्वेश्चन आपको बताएंगे जो ओ लेवल और हार्डवेयर और ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन रहा ये, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को सही वोल्टेज पर बिजली सप्लाई करने का काम कौन करता है? आंसर बी, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये क्या होता है? SMPS, इसे हम शॉर्ट भाषा में SMPS कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमें ये SMPS दिख रहा है। ये पूरा एक कैबिनेट जो हमारी CPU कैबिनेट होती है उसके अंदर फिक्स रहता है और ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये फैन है और इससे बहुत सारे वायर निकले हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे वायर निकले होते हैं और सारे मदरबोर्ड में फिट होते हैं। सभी स्लॉटों में अलग अलग के लिए रहता है। जैसे कि ये वाला दिख रहा है हमें, ये प्रोसेसर को पावर देने का काम करता है। ये जो चौड़ा वाला नीचे से दिख रहा है ये मदरबोर्ड को पावर देने का काम करता है और ये जो हमें दिख रहा है ये डायरेक्टली हार्ड डिस्क को पावर देने का काम करता है। और इस पट्टी से इधर से हम इस साइड से क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो लाइट आती है AC अल्टरनेटिव करंट 220 वोल्ट जो हमें केस्को से मिलती है वो वोल्टेज इसमें हम डालते हैं। इधर से ही हम इनपुट करते हैं और इधर से हमें आउटपुट मिलता है। तो ये क्या करता है कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब DC कन्वर्ट में कर देता है। और DC के बाद में भी कई सारे वायर हैं और सारे कलर वाइज वायर होते हैं, तो हर कलर का भी एक वोल्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑरेंज कलर है, तो जो ऑरेंज कलर की वायर्स हैं इसमें पावर गुड इसको 3.3 वोल्ट का वोल्ट कहा जाता है और जो रेड वायर होते हैं इसमें हमें 5 वोल्ट जो है करंट मिलता है, DC मिलता है। LO जो होता है वो 12 वोल्ट मिलता है। ऐसे करके जो ब्लैक वायर्स होते हैं उसमें हमें अर्थिंग मिलता है, ग्राउंड मिलता है, तो और जितना भी है इस तरह से मिलता है। तो पावर गुड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो पावर गुड प्रमुख इसलिए होता है कि मान लीजिए मदरबोर्ड में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो तुरंत कंप्यूटर जो हमारा SMPS होगा तुरंत जो है आगे पावर सप्लाई नहीं करेगा, जिससे कि हमारा मदरबोर्ड में ज़्यादा नुकसान नहीं होता। पावर गुड सिर्फ इसलिए लगाया था। और पावर गुड जो कलर होता है वो आपका ऑरेंज कलर होता है और इसके अंदर जो करंट होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। तो SMPS हमारा ये होता है। और अब जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क, इन सभी को फिक्स करने के लिए स्लॉट कहां पर होते हैं? हमारा क्वेश्चन रहेगा ये, हाँ ए, तो ए मतलब कि मदरबोर्ड। तो किस तरह से रहता है हम इसको भी देख लेते हैं। तो मदरबोर्ड हमारा आ गया है, इस तरह से हमारा मदरबोर्ड आ गया है और ये सारे हमारे स्लॉट बने हुए, जैसे एक नंबर यहाँ बना हुआ, तो यहाँ पर हमें ये प्रोसेसर, ये वाला जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर हमारा रहेगा। तो ये प्रोसेसर इस यहाँ पे रहता है और ये जो हमारी रैम दिख रही है, ये रैम्स हमारी ये टू नंबर जो नंबर दिया गया है यहाँ इसमें फिट हो जाती है। इसमें कोई वायर की जरूरत नहीं होती है, सीधे इसके अंदर फिट हो जाती है। और ये प्रोसेसर जो होता है ये सीधे इसके अंदर फिट हो जाता है। ये जो स्टील का हमें कवर दिख रहा है, ये स्टील का कवर यहाँ से निकाल के ये खुल जाता है और इसके अंदर ये पैक हो जाता है। और इसके ऊपर क्या कहते हैं कि हमें एक लिक्विड नाम का पेस्ट लगाते हैं जिससे कि इसको ठंडा रखता है और उसके ऊपर इसके ऊपर हम फैन फिट कर देते हैं और फैन जब घूमा करता है तो वो लिक्विड ठंडा होता है और लिक्विड की वजह से ये प्रोसेसर हमारा ठंडा बना रहता है, हीट नहीं होता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर स्मूथली चलता रहता है। कभी कभी फैन स्लो चलता है तब भी हमारा कंप्यूटर हैंग करने लगता है। दूसरा ये कि हार्ड डिस्क के बारे में बताया गया, तो हार्ड डिस्क जो हमारी होती है वो डायरेक्ट इसमें नहीं लग सकती है, उसके लिए हमें इस साटा केबल का प्रयोग करते हैं। और साटा केबल जो हमारा होता है ये तीन नंबर पोर्ट पर लग जाता है और इसमें भी इधर पोर्ट लग जाता है। और ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये एक जो हमारा कैबिनेट होता है उस कैबिनेट में पेचकस की मदद से कस दी जाती है। बाकी जो प्रोसेसर होता है वो सीधे लग जाता है। और ये जो हमारा चार नंबर स्लॉट दिख रहा है इसमें हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं? ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो हमें बैटरी दिख रही है हमारी CMOS बैटरी होती है। बहुत बार पूछा जाता है CMOS बैटरी क्या होती है, तो CMOS बैटरी ये होती है और इसके अंदर रोम लगी होती हैं, मदरबोर्ड के अंदर रोम लगी होती हैं, रोम के अंदर मदरबोर्ड के रोम होती हैं और रोम में एक प्रोग्राम फर्मवेयर नाम का प्रोग्राम जो होता है वह सेव रहता है, उसको हम BIOS भी कहते हैं। और BIOS में
जैसे मदरबोर्ड की नाम हो गए, इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारा चीज़ें रहती हैं, और इसको स्टोर करके जैसे डेट है कंप्यूटर का, डेट है टाइम है, आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं, 6-6 महीने कंप्यूटर बंद रहता है फिर भी उसका टाइम ठीक रहता है, तो टाइम का जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो इस पावर से उसको बैकअप मिलता रहता है। ये हमारे USB पोर्ट होते हैं, ये हमारा VGA पोर्ट होता है, ये भी हमारा USB पोर्ट होता है, और ये हमारा LAN पोर्ट होता है, ऐसे करके ये सारा हमारा मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड की हम अलग से जब क्लास लेंगे तो आपको डिटेल्स में ज़्यादातर बता पाएंगे, अभी हम यहाँ पे इतना ही बता पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं हम लोग। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इसे भी जानेंगे। आप जब तक सोचिए, जल्दी सोचिए जल्दी, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है डी, इंपैक्ट टाइप प्रिंटर। तो कैसे इसको हम समझेंगे, इसको पहले हम पूरे प्रिंटर के बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह आउटपुट को कागज पर प्रिंट करता है, और कागज पर लिए गए आउटपुट को हम हार्ड कॉपी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर में वर्ड में या एक्सेल में कोई भी चीज कंप्यूटर के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से टाइप की, आपने कोई डिजाइन बनाई, कुछ भी बनाई, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है तब तक हम उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जैसे ही अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप प्रिंटर के माध्यम से आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। तो जैसे जैसे कंप्यूटर में आपको दिख रहा होगा, सॉफ्टवेयर में जैसा दिख रहा होगा, वैसा हूबहू आपको प्रिंट आउट उसका मिल जाता है। तो जो प्रिंट आउट मिल जाता है, तो वो जो प्रिंट होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर यहाँ पर दो प्रकार के हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो पहले इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। ये वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज बहुत करते हैं, इसलिए इनको इंपैक्ट, यानी कि जो भी है जब भी प्रिंट करेंगे तो ये इंपैक्ट बार बार बनाएंगे, तो ये इंपैक्ट प्रिंटर हो जाते हैं। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखिए हमारा यही क्वेश्चन का आंसर था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजी व्हील प्रिंटर, गोल्फ प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, तो ये इस तरह के प्रिंटर जो होते हैं ये दिख रहे हैं आपको। ये ज़्यादातर हमें बैंकों में, सरकारी बैंकों में, बिजली विभागों में वहाँ पर हमें ये पासबुक को प्रिंट करने के लिए या बिजली का बिल प्रिंट करने के लिए हमारा ये प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। इनमें क्या रहता है कि इसकी जो एक बार ये थोड़े से महंगे तो मिलते हैं, लेकिन इनकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, और इनको जो इंक भरने का जो काम होता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसमें इंक भरने का काम नहीं होता, बस सीधे सीधे इसके अंदर रिफ़िल आती है, वो रिफ़िल इसमें लगा दी जाती है। तो सरकारी जो कार्यालय होते हैं, गवर्नमेंट कार्यालय होते हैं, वहाँ पर ये इंपैक्ट प्रिंटर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कॉस्टिंग बचाने के लिए प्रिंटर लगाए जाते हैं। बाकी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो लेज़र प्रिंटिंग का काम करते हैं, जो आप कैफ़े में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पर लेज़र टेक्नोलॉजी होती है इसकी पूरी। और ये प्रिंटर जब हम इसमें पूरा स्पेशल क्लास लेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल से बता पाएंगे। तो अभी के लिए ये है कि वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करते, उन्हें हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इनकी प्रिंटिंग जो गति होती है वो इनसे बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट होती है, और स्पष्टता उसमें ज़्यादा होती है। इस वाले प्रिंटर में डार्क होता है, इनमें धुंधला धुंधला रहता है, इनमें लेकिन डार्क बढ़िया अच्छा सा प्रिंट होता है लेजर जेट प्रिंटर में। और ये जो एग्जाम्पल है वो इंक जेट प्रिंटर होते हैं या लेजर जेट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑप्शन आप सोचिए, जल्दी सोचिए स्टूडेंट्स। तो सी, इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। तो सी हमारा क्या है? प्रिंटर है। कहने का मतलब यही है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटर का वही क्वेश्चन है, बार में आया है। तो जैसे कि हमने कोई कंप्यूटर में या कोरल में या पेंट में कोई भी डिज़ाइन बनाई है तो वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। और उसको हम जब प्रिंट आउट निकालेंगे उसका, तो वो क्या बन जाएगा? हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर है आपके, ये लेजर जेट प्रिंटर है, और ये वो हमारा जो है प्रिंटर है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, ये इंपैक्ट प्रिंटर है और ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, तो जल्दी सोचिए आंसर, आप लोग जल्दी सोच लीजिए, 5 सेकंड है सिर्फ आपके पास। बी, तो मतलब हार्ड डिस्क हमारी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। तो कैसे जानेंगे इसको हम, बहुत अच्छे से जानेंगे आज। तो हार्ड डिस्क प्रमुख हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है
SSD हार्ड डिस्क और एक होती है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क और SSD इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो देखिए इसमें हम यहाँ पे अंतर भी जान रहे हैं कि जो SSD हो, देखिए सबसे पहली तो हार्ड डिस्क, सबसे पुरानी जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क है, ये वाली है, ये वाली पुरानी ये है और अभी भी चल रही है। तो सबसे इसमें क्या था कि पहले यही बनाई गई थी, ये भी बाद में लेटेस्ट आई है। तो इन दोनों में अगर हम तुलना करेंगे तो ये काम करने में थोड़ी सी क्या है, स्लो है ये वाली हार्ड डिस्क, और SSD क्या है, फास्ट है और शॉर्टर लाइफ स्पैन। और यहाँ पे तो इसकी लाइफ कम है, इसकी जो लाइफ है वो कम है और इसकी लाइफ ज़्यादा है। इस वाली हार्ड डिस्क स्लो तो है लेकिन लाइफ ज़्यादा है। दूसरा इसका क्या है, अभी ये नई टेक्नोलॉजी है तो ये मोर एक्सपेंसिव है और ये चीपर है, सस्ती है और ये बहुत महंगी है। और नॉन मैकेनिकल फ्लैश, यानी कि ये मैकेनिकल फ्लैश मेमोरी यानी एज ए पेन ड्राइव की तरीके होती है, मैकेनिकल होती है इसके अंदर, ये प्लेटर लगा हुआ है, हेड लगा, ये प्लेटर 7200 की जो हार्ड डिस्क हमारी होती है इसके अंदर का जो प्लेटर होता है वह 7200 की RPM पे घूम रहा होता है और ये हेड इस डाटा को क्या कर रहा होता है, पूरा रीड कर रहा होता है। हमारा जो डाटा होता है वो बाइनरी नंबर में लिखा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसीलिए स्लो हो जाती है, सस्ती भी है, स्लो भी है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि ये वाली हार्ड डिस्क हमें सस्ते में ज़्यादा मिल जाती है, जैसे 4000 GB तक भी मिल जाएगी और ये हमें अभी 4000 GB तक नहीं मिलती है, 4 TB तक नहीं मिलती है SSD वाली महंगी होने के कारण अभी वो नहीं मिल पाती है। तो ज़्यादा अगर हमें बहुत ज़्यादा डाटा रखना है तो हमें हार्ड डिस्क ही लेनी पड़ेगी, SSD अभी उतनी लार्ज स्केल में नहीं बनती है। तो एक चीज़ ये भी होती है। और दूसरी ये होती है कि शॉक रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि छोटा मोटा जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर है, आपका कंप्यूटर किसी ने झटके से रख दिया तो थोड़ा झटका जो होगा तो ये बर्दाश्त कर लेगी। कौन सी, SSD वाली थोड़ी सी शॉक रेजिस्टेंस है, अगर गिर गया कहीं कंप्यूटर तो ये आपकी हार्ड डिस्क जल्दी ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये फ्रिंगल है, मतलब बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर ज़्यादा सा भी कंप्यूटर में झटका लगेगा तो ये कंप्यूटर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्मी के जो ट्रक होते हैं और उनमें भी कंप्यूटर को इनबिल्ड कर दिया जाता है, मिसाइलें सारा, तो उनमें जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें SSD हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी आपका ट्रक चल रहा है उसी में गाड़ी कंप्यूटर भी हमारा हिलेगा, चलता हुआ कंप्यूटर हिलेगा तो कंप्यूटर हमारा क्या होगा, हार्ड डिस्क हमारी ख़राब हो जाएगी। हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी तो विंडो खराब हो जाएगी, विंडो खराब हो जाएगी तो चलेगा ही नहीं। तो बात समझ में आई ना। तो आप लोग जो है इसमें क्या बेस्ट शॉर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम गेमिंग ऐप्स, तो ये चलता बहुत बढ़िया है, अच्छा रहता है, फ्रिक्वेंटली रहता है, लेकिन बेस्ट शॉर्टिंग एक्स्ट्रा डाटा, यानी अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाटा है तो आपको ये वाली लेनी चाहिए हार्ड डिस्क। और अगर आपके पास डाटा ज़्यादा नहीं है, आपको गेमिंग खेलना है, हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, फास्ट काम करना है, तो आपको SSD लेना चाहिए। तो हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती हैं, हार्ड डिस्क 2 प्रकार की होती हैं, SSD और हार्ड डिस्क। अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें दोनों में 2 हार्ड डिस्क एक साथ मिलती हैं, जो नए कंप्यूटर आते हैं तो क्या करते हैं कि सी के लिए SSD बना देते हैं और बाकी डाटा रखने के लिए हार्ड डिस्क, दोनों हार्ड डिस्क एक साथ एक ही कंप्यूटर में आती हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर फास्ट भी हो जाता है और डाटा भी रख लेते हैं, ठीक है।